हेलो एवरी वन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर एट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस वॉट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड एंड मल्टीप्लाई इन नंबर रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस फॉर्म करते हैं जो कि उनके जैसे होते हैं एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट reproduction is essential for continuation of life see living organisms they are able to maintain their existence from millions of years because they produce their copies by reproduction and secondly reproduction it is essential for the preservation of a species see living living organisms or the member of a species they produce many new organisms which are similar to them and their number increases generation after generation and this causes increase in size of a population and helps in the existence of the species and third thing reproduction it is essential because it replaces the dead individuals means replacement of dead individuals in new individuals they are added to the population and they compensate compensate for the loss by death and reproduction it transfers variations from one generation to another that is why it is important and in grade 9, we have already studied that chromosomes they bear information for transmission of characters from parents to offspring in the form of dna and what is dna deoxyribose nucleic acid which is commonly called blueprint of an organism so chromosomes make out the information jo ki, इन्फॉर्मेशन और कैरेक्टर्स जो कि ये पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑस्ट्रिंग एंड रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व मेकिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन एंड क्रोमोजोम्स दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड डी एन ए इट कैरीज द इन्फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स टीएनए जो है इसमें इन्फॉर्मेशन होती है जिससे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं और यही प्रोटीन अलग अलग टाइप के बॉडी डिजाइंस फॉर्म करते हैं ओके डीएनए इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड डिफरेंट बॉडी डिजाइंस अपीयर ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड डी एन इट रेप्लीकेट्स आफ्टर एवरी सेल डिविजन टू कॉपीज ऑफ डी एन ए आर प्रोड्यूस्ड डीएनए जो है ये रेप्लीकेट करता है रेप्लीकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए जिसमें डीएनए अपने जैसा दो डीएनए फॉर्म करता है एंड डीएनए कॉपिंग इट इज अ बाय बाई द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेल्यूलर अपरेटस एंड एंड देन डी एन ए कॉपीज सेपरेट सी एडिशनल सेल्यूलर ऑपरेटर्स मीन्स अ न्यू सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स replication of dna in which dna it forms same copy of it means one dna molecule it forms two dna molecules and this dna neither be kept within the original cell nor it can be pushed out thus a new cell is required for a new dna so dna copy is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then dna copies separate so basic event of reproduction is dna copying dna replication or dna copying it is a biochemical process which involves so many biochemical reactions and this process occurs in living organism so sometimes what happens due to faulty chemical reactions at the time of copying एट द टाइम ऑफ डी एन ए कॉपिंग सम वेरिएशंस इन द डी एन ए क्रिएटेड देखिए जो डी एन ए कॉपिंग है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है पर uh, कुछ बार, कुछ समय क्या होता है इसमें uh, कुछ फॉल्ट हो जाते हैं कुछ एरर्स हो जाते हैं क्योंकि जो बायो केमिकल रिएक्शन है कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हंड्रेड परसेंट रिलायबल नहीं होती है तो कुछ समय क्या होता है मीन्स समटाइम्स uh, ड्यू टू फॉर्टी बायोकेमिकल रिएक्शंस एट द टाइम ऑफ कॉपिंग जो नया डी एन ए फॉर्म होता है उसमें कुछ वेरिएशन्स होते हैं डी एन ए न्यूली फॉर्म डी एन ए इट हैज सम वेरिएशन्स माने कुछ चेंजेस सो डी एन ए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल और जो नई डी एन ए कॉपी फॉर्म हुई है वो सिमिलर तो होगी पेरेंट डी एन ए पर आइडेंटिकल नहीं होगी एग्जैक्टली exactly सेम नहीं होगी वाई ड्यू टू फॉल्टी कैमिकल रिएक्शंस क्योंकि डीएनए एन कॉपिंग के समय जो एरर्स हुए हैं उस वजह से जो नई डीएनए कॉपी फॉर्म हुई उसमें कुछ एरर्स आ गए उसमें कुछ वेरिएशंस आ गए एंड द टू सेल्स रिसीविंग कॉपीज ऑफ द डीएनए फ्रॉम द पेरेंट सेल हैव सम वेरिएशंस और जो नई सेल्स फॉर्म होंगी जिनमें वो डी पास ऑन हुआ है जिसमें डी जो नया डी फॉर्म हुआ वो डी है उसमें वेरिएशंस होंगी उन सेल्स में और ये जो वेरिएशंस हैं इंट्रोड्यूस्ड इन डी एन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी एडवांटेजियस हार्मफुल और न्यूट्रल ये जो वेरिएशन डी रिप्रोडक्शन के टाइम पे होते हैं ये एडवांटेजियस भी हो सकते हैं जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट वेरिएशंस नाउ लेट स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अवर्ड नीचर्स नेचर्स मीन्स प्लेस विच आर सुटेबल और अप्रोप्रिएट फॉर अ पॉपुलेशन सो ड्यू टू रिप्रोडक्शन वेल डिफाइंड प्लेस और नीचर्स ऑफ इकोसिस्टम दे आर फिल्डअप बाय पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखिए जो रहने के लिए जो जगह सुटेबल हैं जो अनुकूल हैं वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड देर बॉडी डिजाइन इज मेन्टेंड ड्यू टू कंसिस्टेंसी ऑफ डी एन ए कॉपिंग जो उनका बॉडी डिज़ाइन मेंटेन्ड है जो उनका एक एक उनका बॉडी डिज़ाइन है उनमें अडेप्टशंस हुई हैं और वो मेंटेन्ड है क्यों डीएनए कॉपिंग की वजह से एंड न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑर्गैनिज्म दे आर एबल टू यूज़ स्पेसिफिक नीच और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो उस स्पेसिफिक नीच को ईजीली यूज़ कर सकते हैं मीन्स उसमें आसानी से रह सकते हैं बट ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक चेंज इन टेम्परेचर वाटर लेवल मीटोराइट हट्स एन्वायरमेंटल नेचर्स में ऑल्सो चेंज लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे टम्परेचर अचानक बढ़ जाए वाटर लेवल में चेंजेस हो जाए मीट्योराइट हट्स तो इस वजह से क्या होता है जो एनवायमेंटल नेचर्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं और अगर उसमें ड्रास्टिक चेंजेस हों तो एक पॉपुलेशन में पेरिश और डाई ऑल टुगेदर मीन्स अगर ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं तो नीचे एक जो पॉपुलेशन है उस नीच से वो पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है एक साथ लेकिन उस पॉपुलेशन में भी अगर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें वेरिएशंस हुए हैं जिनके डीएनए में चेंजेस हुए हैं तो उन इंडिविजुअल्स के चांसेस हैं सरवाइव करने के क्योंकि उनका डीएनए में जो वेरिएशंस हुए थे जो चेंज हुए थे उस चेंजेस की वजह से वो इजीली उस माहौल में रह सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ वाटर temperature ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन temperate water increases ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देखिए जो बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में रहते हैं उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग सो मोस्ट बैक्टीरिया में डाई ज़्यादातर बैक्टीरियाज मर जाते हैं हावेवर अ फ्यू वेरियंट्स विच आर रेजिस्टेंट टू हीट विल सर्वाइव एंड फ्लरिश लेकिन उन बैक्टीरियाज़ में कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनके डीएनए में चेंजेस हुए और उन चेंजेस की वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो इजीली उस हॉट वाटर उस ज़्यादा टेम्परेचर में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं और फ्लरिश होते हैं क्योंकि उनके डीएनए में चेंजेस हुए हैं उनके डीएनए में वेरिएशंस हुए हैं दस वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ द सर्वाइवल ऑफ़ स्पीशीज़ ओवर टाइम और इस वजह से जो वेरिएशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए